जय माँ भारती दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस नए फ्रेश ब्लॉग के अंदर। अभी मैं जयपुर में हूँ और आज मैं जयपुर से वाया जोधपुर 500 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र करने वाला हूँ बाय रोड ऑन माय 100 cc बाइक। तो बिल्कुल रेडी है अपनी गाड़ी, आप देख सकते हैं। आप इधर ये पीछे मेरे आप देख रहे हैं, तो ये प्लेटिना 100 कम्फर्ट बिल्कुल तैयार है और अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। बिल्कुल श्री गणेश करेंगे यात्रा का और इस लंबी राइड का गणेश जी के मंदिर से। आप देख रहे होंगे मोती डोंगरी सर्कल और पीछे महादेव जी का मंदिर दिख रहा है। तो अभी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम गाड़ी के किलोमीटर सबसे पहले नोट कर लेते हैं। अभी आप देख रहे होंगे स्पीडोमीटर के अंदर आपको दिख रहा है 12,263 किलोमीटर। तो हम इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे सबसे पहले, तो 12,263 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ से हम गाड़ी करते हैं स्टार्ट। ये चिट यहाँ पे लगी हुई है, मैंने चिपका रखी है, और जब हम पहुँचेंगे डेस्टिनेशन पे तो उस टाइम हम दोबारा जो है यहाँ पे किलोमीटर को नोट डाउन करेंगे। और वैसे डिस्टेंस जो है वो गूगल पे मैंने चेक करी है, तो 350 किलोमीटर तो जोधपुर है यहाँ से, और उससे आगे जो है वो कितना डिस्टेंस होता है वो हम आगे देखेंगे। तो चलते हैं, अभी गणेश जी के दर्शन करते हैं सबसे पहले और उसके बाद रवाना होते हैं अपने सफ़र पर। करते हैं दर्शन गणपति बाप्पा के, और अंदर भक्तों को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि अंदर की तरफ हो रही है भीड़। सामने हमें दिख रहे हैं गणेश जी भगवान। तो अब हम यहाँ से करते हैं प्रणाम और चलते हैं अपने सफ़र पे। जय श्री गणेश। यहाँ से गाड़ी घुमाते हैं वापस और चलते हैं भैया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लेफ़्ट साइड में ये है जयपुर का बिड़ला मंदिर, और यहाँ से राइट टर्न लेने के बाद में ये जो सीधा रोड आगे जाएगा ये वाया हवा सड़क, रामबाग सर्कल क्रॉस करने के बाद जो नया अभी हवा सड़क का जो फ्लाईओवर बना है उसके थ्रू जो है वो कनेक्ट कर देगा ये आगे अजमेर रोड पर, जो एलिवेटेड अजमेर रोड है वहाँ से डायरेक्टली जो है वो 200 फिट बाईपास क्रॉस करके, और जो मेन अपना जोधपुर के लिए जाने का जो रास्ता है वाया अजमेर उससे हम जाएंगे। तो अभी चलते हैं आगे। तो अभी मैंने पहले से पेट्रोल डलवाया नहीं था क्योंकि मैं पहले जो है वो ये सोच रहा था कि जब मैं यहाँ से रवाना होऊँगा तभी जो है वो टैंक फुल करवा लूँगा ताकि मुझे पूरे रास्ते में कहीं पेट्रोल ना डलवाना पड़े। तो अभी ये आ गया है पेट्रोल पंप। हमें पता है जिधर कोई नहीं होता उधर ये बोलते हैं कि आप वहाँ जाइए। मस्ती कर रहे हैं सुबह सुबह, पेट्रोल भरने का नाम नहीं है। भैया सादा वाला पेट्रोल। इधर है, अच्छा ठीक है, ओके।
बिल्कुल मीटर डाउन है, अभी करते हैं इसको फुल। हाँ भैया फुल कर दो। हाँ जी एटीएम। हाँ जी ओके 1063 1063 आप पेट्रोल डालो, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, एक मिनट। थोड़ा सा टाइम ले रहा है पेटीएम लोड होने में। अब देखते हैं मीटर है इसका हो गया फुल। बिल्कुल फुल हो गया। तो पेट्रोल डलवा लिया, गाड़ी का टैंक हो गया फुल। 1063 का पेमेंट भी भैया को हो चुका है और अब हम चलते हैं आगे। ये है जयपुर का 200 फीट बाईपास, और जो लोग यहाँ से जयपुर से अक्सर जोधपुर साइड या अजमेर साइड बस में ट्रैवल करते हैं वो यहीं से बस में बैठते हैं या फिर बाई रोड जाते हैं, तो आप इस जगह को जानते होंगे। एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि आज का ये मेरा सफ़र जो है वो 7 जिलों से होके कम्प्लीट होगा। मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ से जयपुर से निकलने के बाद 1 नंबर पर जयपुर, फिर दूदू, अजमेर, ब्यावर, पाली, जोधपुर या फिर उससे आगे जो है वो बालोतरा, यानी कि जोधपुर से आगे जाऊंगा तब मेरा 500 किलोमीटर का सफ़र जो है वो होगा कंप्लीट शाम तक। आगे की तरफ भाई साहब कहाँ जा रहे हो? लाल बत्ती पे ही चल रहे हैं भैया, क्योंकि भैया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भैया सोच रहे हैं अभी सुबह सुबह का टाइम है, जब तक पुलिस वाले चचा नहीं आते तब तक हम सारे रूल तोड़ देते हैं, ऐसा ये सोचते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें गाइस, ये हमारी सेफ्टी के लिए बने हुए हैं। Oh, 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 oh
तो भाई यहाँ पे ये है हरध्यानपुरा गांव, और यहाँ पे ये लगा हुआ है किलोमीटर, आप देख सकते हैं इस पे लिखा है मुंबई 1180 किलोमीटर और किशनगढ़ 80 किलोमीटर। तो अभी मैं जयपुर से चल चुका हूँ करीब करीब जो है वो 30 किलोमीटर, और 80 किलोमीटर बाद जो आ जाए किशनगढ़ आ जाएगा, उसके बाद आएगा अजमेर, फिर आएगा ब्यावर, फिर आएगा जोधपुर। अभी एक चीज़ और यहाँ पे देखने को मिलेगी, अगर आप इन दिनों NH8 से या फिर मतलब यहाँ से अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको जगह जगह पे ना इस तरीके से ये फ्लाईओवर बनते हुए नज़र आएंगे, तो इस वजह से थोड़ा सा रूट ये टाइम टेकिंग हो जाता है आपके लिए। और अगर जब बाद में अब कभी भी आप यहाँ से गुजरते हैं तो जब तक हो सकता है ये सब कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अभी बहुत ही कम ऐसे टाउन है जहाँ पे हाईवे पे फ्लाईओवर बने हुए हैं, और बाकी अधिकतर जो है वो नहीं है फ्लाईओवर, तो इस वजह से यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जगह जगह पे। तो जब ये फ्लाईओवर बन के तैयार हो जाएंगे तो आप यहाँ से जो है वो इस ट्रैवल टाइम को और भी शॉर्ट कर पाएंगे, आने वाले टाइम में जो है आपको 12 घंटे नहीं लगेंगे। तो अभी दोस्तों यहाँ पे बगरू से मैं आगे निकल चुका हूँ, और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि सड़क के किनारे पे जो है वो पानी है, तो इसका मतलब है कि रात को बारिश जो हुई है यहाँ पे वो यहाँ पे ज़्यादा थी, मतलब जयपुर में भी हल्की फुल्की बारिश हुई थी कल बीती रात में, पर यहाँ पे ज़्यादा बारिश हुई है जिसके कारण ये धूल मिट्टी के जो डस्ट के पार्टिकल है वो एक बार सेटल डाउन हो गए हैं, तो चलने में मतलब काफ़ी आसानी हो रही है कि धूल मिट्टी नहीं उड़ रही है। और दूसरी चीज़ अभी यहाँ पे उसकी वजह से जो है मौसम भी थोड़ा सा अच्छा हो गया है, मतलब हल्का फुल्का जो है वो आपको दिन के टाइम में भी इसकी वजह से हेल्प मिलेगी, मतलब गर्मी नहीं होगी, तो थोड़ा ठंडा और खुशनुमा माहौल जो है वो हो गया है। आपको जगह जगह पे ऐसे रेस्टोरों और होटल्स वगैरह मिलेंगे जहाँ पे आप रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं, अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, लंच डिनर कर सकते हैं। तो हाईवे का तो कुछ हाईवे की बात ही कुछ और है, या कहीं भी अगर ऐसे यात्रा करते हैं बाय रोड तो बड़ा अच्छा लगता है, आप जहाँ चाहें वहाँ रुक सकते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि अगर एक्सप्लोर करना है तो राहों को एक्सप्लोर करो, यानी कि एक्सप्लोर द राह है, मंजिल तो मिल ही जाएगी, अगर आप राहें एक्सप्लोर करोगे तो मंजिल तो मिल ही जाएगी। राहों की खूबसूरती जो है वो ज़्यादा सुकून देती है, रास्ते जो होते हैं वो आपको ज़्यादा खुशियां प्रदान करते हैं। दोस्तों अभी हम पहुंचने वाले हैं दूधू, और ये देख रहे हैं आप चुनावी माहौल है, तो पोस्टर लगे हुए हैं जगह जगह पे, राजस्थान में इस टाइम पे इलेक्शन का दौर चल रहा है, हालांकि आसार संहिता है बट फिर भी जो है पार्टी परमिशन लेके अपना प्रमोशन कर सकती है होर्डिंग्स के थ्रू। दूधू 3 किलोमीटर लिखा है यहाँ पे, ये नेशनल हाईवे नंबर 8 था पहले, अब ये चेंज होके 48 हो चुका है, अब ये NH8 ना होके नेशनल हाईवे नंबर 48 है। दोस्तों ये सामने आप देख रहे हैं दो ट्रक जा रहे हैं, लाइट एंड लाइट लिखा है इन पे, इसमें जो आगे वाला जो ट्रक है आई थिंक ये मुंबई साइड की गाड़ी है, महाराष्ट्र नंबर है, बट इसमें जो आगे वाला ट्रक है हाँ उस पर पूरे वर्ल्ड का मैप बना हुआ है, तो ये बड़ा प्यारा लगा मेरे को देख के। ग्रिप ट्रक लिखा है इसके पीछे, और लिखा है लाइट एंड लाइट मुंबई, मीडिया इक्विपमेंट रेंटल सर्विसेज हैं ये, मतलब ये कंपनी जो है वो क्या करती है मीडिया इक्विपमेंट के लिए रेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, और इंडिया के अंदर मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता में इनकी ब्रांचेज हैं, बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर भी इनकी ब्रांचेज हैं। तो आप देख सकते हैं मतलब ये भी ऐसे आपको नई नई चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है जब आप बाहर निकलते हैं एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, और ये लंबी लंबी गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं।
और आप देख सकते हैं इधर ये जो है वो फ्लाईओवर जो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं ये दूदू का है। किसी ज़माने में ये ग्राम पंचायत हुआ करती थी, बट अब ये जल्दी जो है वो इसका हो गया है विकास, और इसी विकास से ये बन गया है ज़िला। तो अभी ये डिस्ट्रिक्ट है दूदू, बट सामने जो है वो बस खड़ी है। भैया ओवरटेक करना इतना आसान है नहीं हमारे लिए भी। आपसे एक चीज़ हमेशा कहते हैं कि अगर आप चलते हैं तो चलते समय जो है इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, मतलब आप जो है वो रिस्क ना लें, गलती ना करें, और ऐसे ना सोचें बिल्कुल भी कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं थोड़ा सा गैप है निकल जाते हैं निकाल लेते हैं, क्योंकि हाईवे के ऊपर जो है सफ़र करना जितना ही आसान है उतना ही मुश्किल भी होता है। तो अगर आप सही तरीके से देख के चलते हैं तो सफ़र कभी भी मुश्किल नहीं होता। ठीक है, ड्राइवर भी बैठ गए बस में और अंकल भी बैठ गए रेडी हैं चलने के लिए, ये सवारियां खड़ी हैं बस में बैठने के लिए, और इनकी बस शायद अभी आई नहीं है तो ये किसी और बस का वेट कर रहे हैं। और ये देख रहे हैं आप, अगर एक चारपाई लगा दी जाए इसके ऊपर तो वैसे ये गाड़ी भी बुरी नहीं है चलने के लिए, सफ़र करने के लिए बड़ी अच्छी है, बट उस चारपाई को बांधना पड़ेगा बहुत ही मजबूती के साथ, उसके बाद आप आराम से इस पर सोते सोते जा सकते हो बड़े, मतलब लेट के आराम से बड़े मज़े से। तो दूदू पार हो चुका है, अभी नेक्स्ट जो है वो किशनगढ़ ही आएगा, उसके बाद आएगा अजमेर। गाइज आप देख सकते हैं ये है असली रेलगाड़ी, इसमें रेल भी है पटरी भी है डब्बा भी है और नीचे ये जो है ये अपनी गाड़ी भी है, देखिए ट्रक तो इसके ऊपर है, ये रेलगाड़ी ओरिजिनल रेलगाड़ी आज पहली बार देखने को मिला ऐसा। और ये ट्रैक्टर वाले भैया ट्रैक्टर को पैदल ही ले जा रहे हैं, हालांकि वो पीछे वाले ट्रैक्टर तो ट्रक पे चढ़ के आ रहे थे पर ये बेचारे पैदल जा रहे हैं, कोई बात नहीं जाने दीजिए इनको, देखते रहेंगे हम और आगे क्या क्या देखने को मिलता है हमें इस नेशनल हाईवे पे NH 48। बैरिकेटिंग हो रही है आगे भैया, पता नहीं किस खुशी में हो रही है। अब एक और टोल प्लाजा आने वाला है आगे, एक तो पहले पीछे रह चुका है और अब अगला टोल जो है वो आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बाईपास जो है वो दिख रहा है आपको, बट ये एक्चुअली क्या है कि उदयपुर साइड जाने वाला रास्ता है, तो अगर आपको अहमदाबाद उदयपुर या भीलवाड़ा नसीराबाद कहीं जाना है तो यहाँ से आप लेफ़्ट हो सकते हैं, और अगर आपको जाना है अजमेर या जोधपुर तो आप स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट से इस पुलिये के नीचे से सीधे चलते रहिए तो फिर आप जो है वो किशनगढ़ होके अजमेर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से किशनगढ़ सिटी के लिए एक अलग रास्ता और आएगा आगे दिखा रहा है इसमें लेफ़्ट की तरफ, बट आप जो है वो स्ट्रेट अगर जाएंगे तो यहाँ से मात्र 32 किलोमीटर्स बाद जो है वो आ जाएगा आपका अजमेर, और उसके बाद आ जाएगा 86 किलोमीटर है यहाँ से ब्यावर 86। नेशनल हाईवे अथॉरिटी आपका स्वागत करती है
और आपसे आशा करती हैं कि आप सेफ ड्राइव करें और अपने सफ़र को बेहतर बनाएं। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये एक रास्ता जो है इस फ्लाईओवर के नीचे जा रहा है, तो अगर आपको किशनगढ़ जाना है तो आप यहाँ से पुलिये से नीचे की तरफ जो फ्लाईओवर है वहाँ से नीचे की तरफ जो है वो लेफ़्ट साइड में, यहाँ से आप जा सकते हैं किशनगढ़ सिटी के लिए। और अगर आपको सीधा जाना है मेरी तरह तो आप इस फ्लाईओवर के ऊपर की तरफ से जाइए, तो यहाँ से आप जो है वो सीधा पहुँच जाएंगे, बिना किशनगढ़ गए अजमेर पहुँच जाएंगे। और इधर आप देख रहे हैं ये किशनगढ़ बस स्टैंड बिल्कुल किशनगढ़ शहर के बाहर ही बना हुआ है, तो ये आप इधर की तरफ देख रहे हैं। और यहाँ से आप देख रहे हैं ये सामने की तरफ जो है वो सुंदर पहाड़ों के नज़ारे और हरियाली, खाली जगह पे ये हरे हरे पेड़ पौधे और ये खूबसूरत नेशनल हाईवे का नज़ारा। इस तरफ ये जो है वो काफ़ी सारे यहाँ पे बोर्डिंग्स के लिए काफ़ी सारे जगह बने हुए हैं, प्लेसेस बने हुए हैं कुछ। और यहाँ देख रहे हैं आप ये गायें चर रही हैं, यहाँ पे इनको चारा डाला जाता है, तो ये बेचारी आराम से यहाँ पे बैठ के अपना चारा खाती रहती हैं। और हरा चारा भी डालते हैं लोग यहाँ पे, जो कि धीरे धीरे यहाँ पे सूखता रहता है, ये सूखा भी खाती हैं। तो किशनगढ़ क्रॉस कर चुका हूँ मैं, और अभी अजमेर आने वाला है 25 किलोमीटर बाद। अभी यहाँ पे नेशनल हाईवे के राइट साइड में, यहाँ पे राइट साइड में जो है वो किशनगढ़ का एयरपोर्ट बना हुआ है, तो यहाँ से ये आप देख रहे हैं ये किशनगढ़ एयरपोर्ट का रास्ता है। हालांकि डेवलपमेंट का काम अभी चल रहा है, तो यहाँ से मतलब एक तरफ का काम हाईवे का भी चल रहा है, और एयरपोर्ट के लिए भी यहाँ से जो है वो यू टर्न लेके जा सकते हैं। अगर आपको किशनगढ़ एयरपोर्ट जाना है तो भी यहाँ से आप आसानी से जा सकते हैं। अभी अजमेर पहुंचने से पहले यहाँ से एक मतलब हाईवे के अंदर एक मोड़ जैसा आता है, मतलब इसको टर्न हाईवे का ही एक नेचुरल टर्न जैसा मतलब बोलेंगे, तो ये मोड़ आता है लेफ़्ट साइड में हल्का सा, मतलब हाईवे मुड़ जाता है और फिर आगे जाएंगे तो फिर एक और कट आएगा जिससे शायद पुष्कर का रोड अलग हो जाएगा राइट साइड में, बट हमें जो है वो कंटिन्यू सीधे चलते जाना है, तो ये अजमेर का बाईपास हो गया। तो यहाँ पर मैंने एक बार थोड़ा सा गूगल से कन्फर्म किया और मैप मेरे को बता रहा है अभी कि यहाँ से मेरे को 73 किलोमीटर तक बिल्कुल कंटिन्यू चलना है। हालांकि ये हाईवे सीधा ही है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है वैसे जाने में, कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला मामला नहीं है। अगर आप मैप नहीं भी फॉलो करते हो या नहीं भी देखते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी नेशनल हाईवे पे, आपको हाईवे छोड़ना ही नहीं है एक तरीके से, तो ऐसे चलते रहना सीधे स्ट्रेट। बट मैंने ये देख लिया है
और रही बात दूसरी कि स्टॉप, तो अभी अजमेर पहुंच चुका हूं मैं। मैंने जब जयपुर से मैं चला हूं तो आपने देखा था कि उस टाइम पे सवेरा हो रहा था मतलब, और अभी सुबह के बज रहे हैं 9:33 हो रहे हैं मॉर्निंग के, तो 9:30 मतलब 9:30 अभी हो रहे हैं, और 10 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से अजमेर, तो ऑलमोस्ट पहुँच ही चुका हूँ मैं अजमेर। 9:30 तक मैं अजमेर आ गया हूँ, और सुबह मैं चला हूँ तो करीब करीब 8 बजे से, 7 बजे से ये मान लो, 7 बजे से, 7 बजे से मतलब मैंने स्टार्ट किया अपना रास्ता, तो 7 बजे से लेके और 9:30 यानी कि 2.5 घंटे, करीब करीब 2.5 घंटे में अजमेर पहुंच चुके हैं। और अजमेर का रास्ता हो रहा है कितना, 140 टोटल मिला के जयपुर से, 140 किलोमीटर, तो 140 किलोमीटर को मतलब 3 घंटे में कवर कर लिया मैंने, वैसे नॉन स्टॉप, मैंने कहीं पे ब्रेक नहीं लिया है अभी। तो अभी जयपुर में अगर देखा जाए तो सुबह के टाइम में मतलब थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करने में और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो ऑन ऑफ करने में या थोड़ा बहुत जैसे अभी निकलते टाइम थोड़ा बहुत टाइम लगा, बट उसके अलावा तो ऑलमोस्ट कोई टाइम वेस्ट हुआ नहीं, तो इसलिए मैं जल्दी पहुंच गया हूं यहां पे। और सामने की तरफ आप देख रहे होंगे कि ये बोर्ड लगा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है कि अगर आपको अजमेर जाना है तो आप यहां से राइट साइड में जाइए, 9 किलोमीटर अजमेर है, पुष्कर है 24 और ब्यावर है 63, यानी कि 63 पे आप ब्यावर पहुँच जाएंगे यहाँ से 63 किलोमीटर्स जाने के बाद आप पहुँच जाएंगे ब्यावर। यहाँ से कंटिन्यूसली जो है वो स्ट्रेट चलना है आपको, अगर अजमेर की साइड जाना है तो फ्लाईओवर के नीचे से आप राइट साइड में जा सकते हैं, अदरवाइज़ अजमेर सिटी के अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो बाईपास है ये पूरा आपको डायरेक्टली जो है वो ब्यावर की तरफ ले जाएगा, यानी कि अगर आपको जोधपुर पाली कहीं भी अगर आगे की तरफ जाना है तो आप सिटी के अंदर बिना सिटी में जाए मतलब आप सीधा जा सकते हैं। और ये हाईवे की तरफ जो आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से आपको काफ़ी मतलब लंबी डिस्टेंस वाले फ्लाईओवर यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और फिर भी मतलब जैसे मैंने मैप पे देखा तो यहाँ पे मेरे को कंफर्म दिखा रहा था जैसे चलने के लिए सीधा, तो वैसे कोई इशू वाली बात नहीं है, बट फिर भी हमें यहाँ पे रास्ते में जो है वो एक भाई साहब मिल जाते हैं, तो हम इनसे भी यहाँ पे करते हैं थोड़ी बातचीत और थोड़ा सा रुक के आराम से देखते हैं कि अजमेर पूरा शहर यहाँ पे दिख रहा है इस तरफ जो है राइट साइड में, पूरा आप देख पा रहे होंगे ये पहाड़ों की तरफ, तो ये पूरा अजमेर शहर है। तो इनसे भी मैंने बातचीत करी और ये भाई साहब जो है वो हमें बता रहे थे कि अगर आपको ब्यावर की तरफ जाना है तो भी आप जोधपुर जा सकते हैं, और एक दूसरा रास्ता और भी है कि आप पुष्कर साइड में भी घूम के और पुष्कर साइड से भी जा सकते हैं जोधपुर के लिए वाया मेड़ता, तो उधर वाले रूट में अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, बट वो थोड़ा शॉर्ट रहेगा। और इनका कहने का मतलब यही था कि अगर आप आराम से जाना चाहते हैं, अपना समय बचाना चाहते हैं, तो फिर आप जा सकते हैं इसी हाईवे से। यहाँ पे दिख रहा है हमें ये नारेली धाम जो कि अजमेर के बाहर की तरफ और इस बाईपास के बिल्कुल पास में है। यहाँ पे 27 मंदिर हैं आई थिंक, और जैन मंदिर भी है एक, तो अभी मैं सोचता हूँ अगर आगे कट है यहाँ पे, अगर कोई कट मिलता है मेरे को तो मैं भी यहाँ पे एक बार ऊपर जाके देख के आता हूँ, एक्सप्लोर करते हैं, मंदिर में भी जाके आते हैं देख के आते हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम जाऊँगा यहाँ पर, मैं कभी गया नहीं, और वहाँ से वापस इस तरफ का हाईवे का नज़ारा भी देखने को मिलेगा, और सुबह सुबह का टाइम है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, हालांकि यहाँ से भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है। तो अभी देखते हैं उधर जाने के लिए रास्ता कैसे है, अभी तो मैं हाईवे से जाने की कोशिश करूँगा।
तो दोस्तों आपने देखा होगा कि मैंने एंट्री करवाई और फिर मैं आया हूँ अंदर। अभी आप देख रहे हैं सामने की तरफ ये एक मेन मंदिर बना हुआ है जिसके साइड से होके मैं आ गया हूँ ऊपर पहाड़ की तरफ। और ये रास्ता जो आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है जहाँ पे वो आपको बहुत सारे मंदिर दिख रहे थे, आई थिंक 27 मंदिर जो दिख रहे थे। उधर जाने का एक और रास्ता भी है, हालांकि इसके अपोजिट साइड से भी अगर आप आते हैं घूम के तो वहाँ से भी आप आ सकते हैं और यहाँ से आप जा सकते हैं ऊपर की तरफ। तो यानी कि दो रास्ते होते हैं, यानी कि जो आप जैसे एंट्री से अंदर जाएंगे तो एक लेफ्ट साइड से भी आप घूम के आ सकते हैं यहाँ पे, और दूसरा जो है वो सामने से राइट साइड से भी घूम के जो रास्ता आता है वो आपको यहाँ पे इस टी पॉइंट पे मिल जाता है। और यहाँ आने के बाद में जो है आप जा सकते हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ आने के बाद वापस आगे एक रोड हो जाएगा और उस रोड से ऊपर की तरफ जा सकते हैं जहाँ पे वो आपको मंदिर दिख रहे हैं बहुत सारे। हालांकि मैं खुद यहाँ पे कभी नहीं गया तो मैं तो फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ। अभी जाने के बाद देखते हैं कि वहाँ पे क्या है। जयपुर हाईवे आ रहा है NH 48 और ये अपार्टमेंट वगैरह कुछ दिख रहे हैं इसके बीच में। ये पूरा ये यहाँ से सामने मंदिर से फिर एंट्री गेट दिख रहा है जहाँ से अभी मैंने एंट्री किया था, ये एंट्री गेट दिख रहा है। और इसके अलावा सामने थोड़ी शाइनिंग आ रही है बट फिर भी शायद आपको नज़र आ रहा होगा कितना बड़ा पूरा होगा ये एरिया जो है वो इस तरीके से डेवलप हो रहा है। हर जगह पे आप देखेंगे काम चल रहा है चारों तरफ और जो पुराने मंदिर बने हुए वो। इसके अलावा ये देखिए ये सीढ़ियाँ भी आ रही हैं सीधी वहाँ से नीचे से, ये जो सेकंड स्टेप आ रहा है इस मंदिर के पास से यहाँ से ये सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ आती है। यहाँ आगे काम चल रहा है इस वजह से हालांकि इधर का रोक रखा है, तो आप देख पा रहे होंगे कि बाद में जो है हम इधर जाके भी इन सब मंदिर को इधर जाके देख सकते हैं। और ये सामने बाइक खड़ी है अपनी और यहाँ से इस तरफ के मंदिर जो है यहाँ हम जाके आते हैं, देख के आते हैं, दर्शन करके आते हैं। ये देखिए ये जो पीछे वाली जो बिल्डिंग है ये जो बन रही है ये काफ़ी ऊपर की तरफ काफ़ी हाइट में बनेगी। और ये पीछे का पूरा नज़ारा, ये पीछे का पूरा व्यू देख पा रहे हैं आप यहाँ से। ये देखिए पूरा का पूरा जो है आपको नज़ारा नज़र आ रहा है उधर से। और ये 27 मंदिर, अब मैं इसके एंड में जो सबसे एंड में इधर की तरफ जो साउथ की तरफ जो मतलब एंड है इसका उस तरफ आ चुका हूँ मैं जहाँ से ये सीढ़ियाँ ऊपर आ रही है वहाँ से। और ये इधर का जो लास्ट वाला जो बड़ा मंदिर आपको दिख रहा था पहले दूर से यहाँ पे आ चुका हूँ मैं, बट यहाँ पे लिखा है अंदर आना मना है और कार्य प्रगति पर है। और अगर आप पैदल आते हैं तो आपके लिए ये रास्ता है, यानी कि आप यहाँ से ये सीढ़ियाँ बनी हुई है तो आप इन सीढ़ियों से भी आ सकते हैं। ये देखेंगे आप यहाँ से, ये देखिए बिल्कुल ये सीढ़ियाँ बिल्कुल ऐसे नीचे जाती हैं, फिर यहाँ से ऐसे नीचे जाके और उधर से जाके फिर ऐसे बिल्कुल ऐसे नीचे चली जाती हैं उस मंदिर के पास। और उस मंदिर से बिल्कुल सीधा रास्ता, दो रास्ते, एक उधर से भी घूम के आप जा सकते हैं एंट्री गेट पे
और एक इधर से जहाँ से मैं हाईवे से आया हूँ, ये मेन रोड से आया हूँ, मतलब बड़ी रोड से, उधर से भी जा सकते हैं वापस हाईवे पे। तो ये सामने मंदिर है, ठीक है। तो फाइनली अभी यहाँ से चलते हैं वापस। ये देखिए, एक या गिनती कर लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो इधर दिख रहे हैं मेरे को और बाकी उधर होंगे, ठीक है। तो वापस जब आप वहाँ से नीचे की तरफ आते हैं तो मेन रोड के पास में ही राइट साइड के अंदर ये बनी हुई है भोजनशाला। तो आप यहाँ पे आके, और यहाँ पे आने के बाद आपको कूपन लेना होता है, तो कूपन लेने के बाद आप यहाँ पे जो है वो खाना खा सकते हैं। उसके भी लिए कोई टाइमिंग है फिक्स, और रेट है यहाँ पे 70 रुपये पर थाली। तो 70 रुपये का जो कूपन है वो आप यहाँ पे लेके, और उसके बाद जो है वो अंदर जाके आप आराम से जो है यहाँ पे खाना खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो लोग आते हैं वो यहाँ पे मतलब अच्छे से वो साफ़ सुथरा खाना खा पाएँ। और इसके लिए ये एक मिनिमल जो बेसिक चार्ज है वो आपसे लेते हैं, और काफ़ी अच्छा जो है वो यहाँ पे अरेंजमेंट है अंदर आने के बाद में, काफ़ी साफ़ सुथरा है। आप देख सकते हैं जैन मंदिर है तो उस हिसाब से सारी व्यवस्था है। तो यहाँ पे आप कभी भी अगर आते हैं इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में, तो लंच और डिनर दोनों टाइम पे यहाँ पे जो है वो भोजनशाला के अंदर टाइमिंग के अनुसार आप आके और यहाँ पे अपना जो है वो खाना आप खा सकते हैं। आपको एक थाली मिलेगी और उसके अंदर जो है वो अलग अलग वैरायटी मिलेंगी, उसमें सब्जियाँ, रोटी, चावल वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको प्रसाद भी मिलती हैं साथ में। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप कभी भी आते हैं तो यहाँ पे आके आप खाना भी खा सकते हैं, मतलब आपको रास्ते में बाहर जो है वो खाने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए आप अच्छा साफ़ सुथरा पौष्टिक भोजन कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं थाली, तीन सब्जी मिलेंगी आपको और साथ में रोटी, चावल और बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं, पापड़ वगैरह या फिर नमकीन वगैरह, ये सारी चीज़ें भी आपको, अचार, सलाद, ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको केवल 70 रुपये के अंदर। आप यहाँ पे आसानी से बहुत ही अच्छा भोजन कर सकते हैं। अगर कभी आप आते हैं तो आप भी यहाँ पे ज़रूर आइएगा। तो अब मैं वहाँ से बाहर आ चुका हूँ और खाना खाने के बाद में, और बाहर आके वापस यहाँ से रवाना हो गया हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो एंट्री पॉइंट दिख रहे हैं, यहाँ से आप एंट्री करते हैं। अगर आप जोधपुर से जयपुर की तरफ आते हैं तो आपके लिए ये एंट्री पॉइंट जो है वो आपकी साइड ही रहेगा, और अगर आप जयपुर से जोधपुर की तरफ जाते हैं तो ये अपोजिट साइड रहेगा। तो यानी कि आप नारेली से थोड़ा सा पहले ही जो कट आता है वहाँ से आप जो है वो सर्विस लाइन के थ्रू यहाँ तक आ सकते हैं घूम के, मतलब थोड़ा सा घूमना पड़ेगा आपको और उसके बाद जो है वो आगे की तरफ चल सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखी मैंने, ये आप देख रहे होंगे सामने जो ये फवारे दिख रहे हैं, मतलब इस तरीके के जो प्रेशर वाटर पाइप के यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट बने हुए हैं। ये फोर व्हीलर के लिए और मेनली तो मतलब ट्रक के लिए, क्योंकि नेशनल हाईवे है तो यहाँ पे क्या है कि बड़ी गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं, तो उनको धोने के लिए मतलब उनकी वॉशिंग के लिए यहाँ पे जगह जगह पे आपको सड़क के दोनों तरफ लोग बैठे नज़र आएंगे या चारपाई पे लेटे नज़र आएंगे। तो वो अपने अपने पॉइंट पे बैठे होते हैं और वो क्या करते हैं, गाड़ियों की सफाई करते हैं। मतलब आप जैसे कार वॉशिंग के लिए जाते हैं या फिर अपनी गाड़ी जहाँ पे धुलवाने के लिए जाते हैं, तो आपको यहाँ पे ये बिल्कुल एक नेचुरल टाइप का, देसी जुगाड़ टाइप का मिलता है। और बड़ा अच्छा है कि यहाँ पे शायद वाटर लेवल की वजह से क्या है कि इन्होंने वो एक इंजन लगा रखा होता है, और बिना बिजली के ही ये आपकी गाड़ी को धोने में मतलब एक तरीके से ये काम करते हैं। तो अभी हम अजमेर क्रॉस कर लिया मैंने, और अब इससे आगे का जो सफ़र है वो रहेगा अपना नेक्स्ट स्टॉप ब्यावर के लिए। Thank you.
यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाड़मेर 341 है यहाँ से, और नेशनल हाईवे का नंबर भी यहाँ से चेंज हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ब्यावर जैसे आप क्रॉस करते हैं तो NH 48 अलग हो जाता है और NH 25 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है वाया जोधपुर। तो जोधपुर से आगे जो है वो आप चलेंगे तो देख पाएंगे, यहाँ से देखो आप देखेंगे 263 और 474, तो करीब करीब जो है वो 210 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ अब तक। 210 किलोमीटर मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और अब मेरे बसते हैं कितने, 300 किलोमीटर रफली अगर मैं देखूँ तो 300 किलोमीटर का जो है वो अभी मेरे लिए आगे और सफ़र बसता है, यानी कि 300 प्लस 210 करीब करीब जो है वो 510 यानी कि 500 प्लस किलोमीटर हो जाएंगे। ये खूबसूरत पहाड़ों वाला रास्ता जब आ जाता है तो आप समझ लेना कि आप जो है वो पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ चुके हैं, यानी कि यहाँ से पीछे की तरफ अजमेर और ब्यावर का जो एरिया है वो पीछे रह जाता है और इससे आगे ये पाली का एरिया स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। तो आगे जो है वो ये जो आपको दोनों तरफ जो पहाड़ दिख रहे हैं नेशनल हाईवे के, तो ये पाली डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर जो है वो बॉर्डर आ जाता है, उसके बाद ये एरिया जो है वो पाली का है। इससे आगे जैसे हम यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो एक और बहुत ही शानदार जगह आती है जो मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ पे क्या है कि आप अगर सड़क पे खड़े रहेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आप मतलब वाइब्रेट कर रहे हैं या फिर लाइक जैसे झूला होता है उस तरीके से आप जैसे वो होता है हैंगिंग ब्रिज की जैसे आपकी फीलिंग आएंगी, तो वैसा वाला ब्रिज जो है वो आगे आएगा जब हम यहाँ से निकलते हैं तो आगे की तरफ। वहाँ पर क्या है कि नीचे की तरफ रेलवे ट्रैक है और वो भी मतलब 2-3 लाइन है वहाँ पे काफ़ी सारी और काफ़ी हाइट पे बना हुआ है। ये वाली जगह है अभी जो देख रहे हैं हम। और यहाँ साथ साथ मैं आपको किलोमीटर भी दिखाना चाहूँगा लाइव ताकि मतलब पूरा अच्छे से कवर हो पाए। यहाँ से आप देख रहे होंगे कि 481 किलोमीटर जो है वो अब तक कंप्लीट हो चुके हैं स्पीडोमीटर के अंदर 12,400, और स्टार्टिंग में जो थे वो 12,263 थे, तो करीब करीब जो है वो 225 किलोमीटर के आसपास जयपुर से चलने के बाद ये वाली जगह आती है। और यहाँ पर जब हम खड़े होते हैं तो बिल्कुल ऐसे एक
मोमेंट सा फील होता है, मतलब बॉडी के अंदर अगर आप यहाँ पे खड़े रहेंगे तो आपको लगेगा जैसे बड़ी गाड़ियाँ गुजरती हैं ऊपर से ही, जैसे कोई ट्रक गुजरता है, तो आप ये वाले पोर्शन जो है इस ब्रिज का, ये काफ़ी हैंगिंग करता हुआ जो है आपको फील होता है। यहाँ से जब हम आगे चलेंगे तो वहाँ पे एक और टी पॉइंट आ जाएगा, वहाँ से पाली के लिए हाईवे सीधा निकल जाएगा, और अगर आपको जोधपुर या फिर बाड़मेर साइड जाना है तो आपको वहाँ से जो है वो राइट साइड में जाना होगा। वहाँ पे एक स्टैचू बना हुआ है, तो वो स्टैचू अभी आप देख रहे होंगे, ये वाला, ये महाराणा प्रताप का बहुत ही शानदार स्टैचू बना हुआ है यहाँ पे हाईवे के जस्ट लेफ्ट साइड में। मतलब ये हाईवे होटल है एक, और उस होटल के आगे की तरफ ये स्टैचू बना हुआ है जो आप देख पा रहे हैं। ये स्टैचू जो है वो, अभी धूप हो रही है तो शाइनिंग की वजह से थोड़ा सा देखने में ऐसा लग रहा है, बट बहुत ही शानदार। हालांकि अभी इसका काम चल रहा है, तो अभी ये आने वाले टाइम में जो है वो, और जब इसका पूरा कंस्ट्रक्शन का जब काम पूरा हो जाएगा तो आप देख पाएंगे कि ये बहुत ही शानदार जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इसके जस्ट आगे यहीं पे, मतलब साइड में जो है वो एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट है, और एक ये हाईवे होटल भी है, और यहीं से सामने की तरफ जो है ये फ्लाईओवर दिख रहा है आपको। इस फ्लाईओवर के नीचे से रास्ता जो है वो अलग हो जाता है जोधपुर जाने के लिए। ये एक बहुत शानदार रिजॉर्ट है यहाँ पे गढ़गिरवर करके। यहाँ पे भी जैसे आप इसके जस्ट, हाँ जस्ट आप गढ़गिरवर के सामने से जब आप हाईवे को क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पे आपको जैसे आप क्रॉस करेंगे राइट साइड में, तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा सर्कल, और उस सर्कल से जो है वो आपके कितने रास्ते मिलते हैं आपको, तीन रास्ते आगे और मिलते हैं। एक तो ये पास में जो टाउन है बर, वहाँ जाने के लिए, और दूसरा वापस अजमेर जाने के लिए, और जो स्ट्रेट है वो है जोधपुर जाने के लिए NH 25, जो ब्यावर से स्टार्ट होके, और यहाँ पे आपको बोर्ड देखने को मिलेगा, देखिए आप कि यहाँ से लिखा हुआ है कि आपको अगर जोधपुर जाना है तो आप इस डायरेक्शन में आप कंटिन्यू स्ट्रेट जो है वो जोधपुर के लिए चल सकते हैं यहाँ से। ये नेशनल हाईवे पहले 112 नंबर हुआ करता था, और यहाँ पे लिखा है जैसलमेर 400 किलोमीटर, बाड़मेर 312 किलोमीटर और जोधपुर 122 किलोमीटर। तो दोस्तों अभी दिन के बज रहे हैं 3:30, और यहाँ पे थोड़ा सा लिया है मैंने ब्रेक। ये आप देख रहे हैं पीछे, ये है नेशनल हाईवे 25, और अभी यहाँ पे ये किलोमीटर लगा हुआ है, यहाँ से 200 किलोमीटर का सफ़र अभी आगे और बचा है, और करीब करीब 300 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे जयपुर से 300 किलोमीटर अभी तक मैं आ चुका हूँ सुबह से लेके, और आप देख रहे होंगे ये पीछे की तरफ जो है वो यहाँ पे एक मंदिर है, और यहाँ पे प्याऊ है पानी की, तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब बैठने की जगह भी है, तो थोड़ा सा ब्रेक लिया है मैंने यहाँ पे, और अब यहाँ से आगे चलते हैं। और कोशिश यही रहेगी कि शाम तक, यानी कि मतलब सूर्यास्त के आसपास, तब तक जो है वो इस ट्रिप को मैं कंप्लीट कर लूँ जल्दी से, है ना। ओके, बढ़ते हैं आगे अब। तो गाइस, जब आप जोधपुर पहुंचने वाले हैं उससे पहले आपको यहां से एक और रास्ते का ध्यान रखना होगा कि अगर आपको बाड़मेर साइड में जाना है तो यहां से आपको लेफ़्ट लेना होगा, रिंग रोड बोलते हैं इसको, मतलब यहां से स्टार्ट होती हैं जोधपुर की रिंग रोड। हालांकि अभी वो नई बन रही हैं, हालांकि पूरी तरीके से बनी भी नहीं है, तो अभी वो तो जाएंगे जब पता चलेगा आगे, बट यहाँ लिखा है कि अगर आपको जोधपुर शहर में नहीं जाना है और अगर आपको सीधा बाड़मेर की तरफ जाना है तो आप रिंग रोड को यहाँ से अपना रूट बनाइए, और यहाँ से रिंग रोड से जो है वो आप जा सकते हैं सीधा पाल रोड की तरफ,
भोपाल रोड यानी कि जोधपुर की जो बाहर का जो आउटर का एरिया है, जहाँ पे अभी राजस्थान हाई कोर्ट का भी बिल्डिंग बन के तैयार हुआ है, रिंग रोड पे ही है वो भी। तो इस डायरेक्शन में आप जो है वो बिना जोधपुर में गए आप जा सकते हैं सीधा पाल रोड के थ्रू बालोतरा की साइड। बालोतरा जोधपुर से निकलने के बाद में अगर आप शहर के अंदर भी जाते हैं तो आपको शहर में अंदर जाने के बाद भी वापस पाल रोड होके ही बालोतरा बाड़मेर की तरफ जाना होगा। तो ये एक अल्टरनेट रास्ता है, हालांकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है जिसकी वजह से हो सकता है कि अभी कोई इश्यू भी आए, अभी आगे नहीं पता इस बारे में। बट जब ये कंप्लीट बन के तैयार हो जाएगा उसके बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि आपको सेम अजमेर की तरह, जैसा अजमेर के अंदर है कि आपको सिटी के अंदर नहीं जाना है, आप बाईपास से सीधा आ सकते हैं आगे ब्यावर की तरफ, वैसे ही सेम ब्यावर के अंदर भी है कि वहाँ पे भी आपको सिटी के अंदर घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आप सीधा आगे आ सकते हैं अपने पाली की तरफ, बर की तरफ आ सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जोधपुर का भी ये रिंग रोड जो है वो यहाँ से अलग हो रहा है। तो आप जो देख पा रहे हैं ये रिंग रोड यहाँ से इस तरीके से, ये नेशनल हाईवे जो है वो स्ट्रेट चला जाता है और ये रिंग रोड यहाँ से लेफ्ट साइड में यहाँ से आगे निकल जाता है। तो अभी आगे ये वापस हमें पाल रोड तक पूरा कनेक्ट कर देगा यहाँ से। तो यहाँ से हमें काफ़ी सारा डिस्टेंस जो है वो हमारी यहाँ पे बच जाएगी, बहुत सारे किलोमीटर जो है वो हमारे यहाँ पे बच जाएंगे। अदरवाइज़ ये ट्रिप जो है वो 500 किलोमीटर से भी बहुत ज़्यादा हो जाती, यानी कि करीब करीब 550 किलोमीटर हो जाती, जो कि इस रोड से जाने के बाद 510 के आसपास या 500 किलोमीटर से थोड़ी बहुत ज़्यादा ही होगी, और तब तक मैं जो है अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाऊँगा। तो ये क्रॉस करने के बाद आगे जब हम चलते हैं तो आगे की तरफ जो है वो हमें एक और वहाँ पे टी पॉइंट या मतलब इस तरीके का कुछ मिलेगा। बट ये रिंग रोड जो है वो कंटिन्यू चलती रहेंगी जब तक पाल लिंक रोड नहीं आ जाता। और जगह जगह पे आप देख रहे होंगे बहुत सारी जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी इस रोड का, तो उस वजह से बहुत सारी जगह पे आपको मतलब सर्विस लाइन कहीं पे रॉन्ग साइड, कहीं पे थोड़ा सा इस तरीके का है अभी। बट इससे जब हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे इसरो का सेंटर भी है, ये शायद जो वेस्टर्न रीजन का कुछ है, तो यहाँ पे ये सेंटर भी बना हुआ है। और इससे जब आगे जाएंगे तो पाल लिंक रोड को कनेक्ट कर देंगे हमें, आगे जो मेन हाईवे वापस स्टार्ट हो जाता है NH 25, वहाँ से ये हमें लिंक कर पाएगी आगे की तरफ।
तो अब हम आ चुके हैं पाल रोड से, जो लिंक यानी कि रिंग रोड यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है पीछे, और आगे की तरफ जो आप देख पा रहे हैं ये हाईवे जो है ये है जोधपुर से बाड़मेर जाने वाला हाईवे। तो जोधपुर के अंदर जब हम आते हैं तो हमें कुछ यूनिक चीज़ें तो वैसे देखने को मिलती हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा लोग ई रिक्शा में सो रहे हैं, आमतौर पर हमें देखने को मिलता है जैसे ट्रेन या बस के अंदर लोग सोते हैं ट्रैवल के टाइम पर, या फिर कहीं जब लंबा सफ़र करते हैं तो लोगों को नींद आती है। तो ये सूर्य नगरी है, हालांकि जैसे जयपुर को गुलाबी नगरी बोलते हैं वैसे इसको ब्लू सिटी भी बोलते हैं। यहाँ पे पुराने ज़माने के अंदर जो बहुत सारे नीले नीले मकान बने हुए थे, हालांकि आजकल तो सारे शहर एक जैसे हो गए तो कुछ पता ही नहीं चलता। तो अभी शाम हो गई है, हालांकि अंधेरा नहीं हुआ अभी तक, बट मैं जोधपुर से निकल चुका हूँ और करीब करीब जो है वो 10 घंटे हो गए हैं मेरे को लगातार चलते हुए। और यहाँ से आगे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि जोधपुर से आगे बाड़मेर की तरफ का किस तरीके का जो है वो नज़ारा है। अभी आप देख रहे होंगे कि सूरज जो है वो ढलने ही वाला है, मतलब अभी शाम का समय जो जिसको कहते हैं वो पूरी तरीके से इवनिंग का टाइम हो चुका है। और चलते हैं यहाँ से हम आगे की तरफ और आगे का रास्ता जो है वो करते हैं एक्सप्लोर, और आपको दिखाते हैं थार के रेगिस्तान की तरफ का नज़ारा।
पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका है और आप जो देख रहे हैं ये है बचपतरा रिफाइनरी का जो एरिया है वो अभी इससे आगे आने वाला है और पूरी तरीके से जिसको बोलते हैं वही सर्दी होने की वजह से जो जल्दी से शाम हो जाती है वो वाला टाइम हो चुका है, यानी कि अब वो पूरी तरीके से अंधेरा लगभग हो चुका है और जो गाड़ियों की लाइट और शहर की जो लाइट है वो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलेंगी। और यहाँ से देखिए आप बोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है कि बचपतरा जो है वो यहाँ से राइट साइड में है, राइट साइड में जो है वो बचपतरा टाउन है और लेफ्ट साइड में जो है वो बालोतरा टाउन है। तो यहाँ से जब हम आगे निकलते हैं तो बचपतरा और बाड़मेर की तरफ जाने के लिए या बाइकों की तरफ जाने के लिए जो है वो ये रास्ता से निकल जाता है और दोनों सिटी जो है वो दोनों साइड में जाती है, यानी कि बालोतरा लेफ्ट साइड में रह जाता है और बचपतरा जो है वो आपका राइट साइड में रहता है। और अभी आप अगर देखेंगे तो मेरी गाड़ी के अंदर किलोमीटर हो चुके हैं 12,745, यानी कि 12,263 से लेके 12,763, यानी कि 500 किलोमीटर में से थोड़ा सा अभी और कम बचा है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से आगे और यहाँ आगे आने के बाद एक और बोर्ड देखने को मिलता है हमें, यहाँ पे लिखा है बाइक टू 16 किलोमीटर और बाड़मेर 61 किलोमीटर। तो अभी हमारा डेस्टिनेशन जो है वो थोड़ा सा ही आगे रहा है, हम आ चुके हैं फाइनली। अब ये देखेंगे आप, बायतू आ चुका हूँ मैं और यहाँ पे अभी मैं आपको किलोमीटर दिखाता हूँ अपनी गाड़ी के, किलोमीटर जो है वो कितने हो चुके हैं, यानी कि फाइनली मैंने 500 किलोमीटर पार कर लिए हैं गाइस, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ 12 घंटे के अंदर अंदर। और साथ साथ में मैंने ये वीडियो भी रिकॉर्ड किया है लगातार, और अभी आप देख रहे हैं मेरी बाइक के अंदर अब किलोमीटर हो चुके हैं 12,776, यानी कि अभी 12,776 हो रहे हैं और पहले थे 12,263। तो अभी मैं नोट डाउन करता हूँ उसी जो मैंने मॉर्निंग में जो सुबह जो मैंने नोट किया था उसके ऊपर की तरफ मैं नोट करता हूँ 12,776 किलोमीटर। तो अभी हम क्या करेंगे, 12,776 में से 12,263 को लेस कर देंगे, तो 6 - 3 - 3 और 7 - 1 और ये हो गए 513 किलोमीटर। तो गाइस आप देख सकते हैं 513 किलोमीटर मेरी बाइक जो है वो सुबह से अब तक चल चुकी है, लगातार मैंने राइड की है, लगातार मैंने ड्राइव किया है और मैं सिंगल डेट के अंदर यहाँ पहुँच चुका हूँ। और ये मेरा डेस्टिनेशन है, इसलिए मतलब मेरा मेन टारगेट जो था वो था कि 500+ किलोमीटर जो है वो मुझे कंप्लीट करने हैं आज ही एक ही दिन के अंदर और सिंगल डेट के अंदर। तो मैंने एक दिन में इनको कंप्लीट कर लिया है। तो